हेलो, माय नेम इज़ अमूल्य गुप्ता एंड आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 18 एम्स। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी क्या काफ़ी है या नहीं। तो सीधी बात है, फिज़िक्स से मतलब होती है, फिज़िक्स पे ही सारे आके अटकते हैं सबसे पहले। तो फिज़िक्स के अंदर तो देखो एनसीईआरटी तो मतलब कचरा ही है लिटरली। हमारे तो मेरे तो टीचर ने ये बोला था कि एनसीईआरटी को अपने रूम के ऐसे कॉर्नर में रख दो जहाँ पर तुम्हें खुद भी ना मिले, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर पढ़ोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आना, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अलावा फिर आप कौन सी बुक्स रेफ़र कर सकते हो? तो मतलब डीसी पांडे वगैरह जो मेडिकल के लेवल की आती है, कर लो सॉल्व, उसको सॉल्व कर लो, बहुत रहता है। और साथ के साथ अपने जो टीचर तुम्हारे नोट्स वगैरह लिखवाते हैं उनको सॉल्व कर लो। इंस्टीट्यूट के साथ तुम्हें वो क्वेश्चन बैंक वगैरह भी मिलते होंगे, तो वो बहुत रहता है। तो ऐसा करो कि मतलब जितना तुम अपना लेवल कर पा रहे हो करते रहो, ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है कि डाउट सॉल्व नहीं हो रहा मेरा, मैं ये मम्मी के पास जाके रो रहा हूँ कि मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा मेरा क्या होगा। अरे कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, चैन से बैठो, 2 घंटे बैठो, तो अपना आप सब समझ में आ जाएगा ना। तो अपना ऐसा अपना एकदम रोने लग जाते हो तो चिल मार के करो अपना, ठीक है। अब उसके बाद केमिस्ट्री पे आते हो, तो केमिस्ट्री के अंदर ये होता है, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए तो जनरली एनसीईआरटी वाला स्टफ़ इनफ होता है। इवन जो आप नीट के क्वेश्चन भी देखते हो ना, तो बोर्ड वाले लेवल के ही आते हैं। मतलब बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए, अगर बोर्ड का सॉल्व कर पा रहे हो तो नीट का भी सॉल्व कर ही लोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऐसी है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना दिक्कत ये आती है कि तुम ऐसे एनसीईआरटी तो पढ़ जाते हो, ठीक है ना, पर तुम्हें ये समझ में आता ही नहीं कि तुमने पढ़ा क्या। मतलब पढ़ लिया और लगा कि मेरा तो हो गया जी, मैं तो करके बैठ गया, पर फिर जो क्वेश्चन आता है, यार दिया तो था शायद, याद नहीं मेरे को, या एनसीईआरटी से बाहर का था, पर एनसीईआरटी में एक लाइन होती है तो उसका पॉइंट्स बना के लिखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। एनसीईआरटी इनफ रहती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। थोड़ा बहुत अगर करना है तो टीचर जो नोट्स लिखवाएंगे बहुत रहते हैं, ठीक है, या किसी, अगर तुम्हारे टीचर तुम कोचिंग नहीं ले रहे तो किसी दोस्त वगैरह से फोटोकॉपी करवा लेना, बहुत रहता है, उस पर ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है कि जो मेन बेसिकली तो ये होता है कि फॉर्मूले वगैरह और जो नेम्ड रिएक्शन होते हैं वो याद होने चाहिए। साथ के साथ एक आध वो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन पटक देते हैं, तो अगर ठीक है तुमसे बन रहा है, सॉल्व हो पा रहा है, मतलब तुम समझ पा रहे हो, तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया, तो ठीक है। नहीं कर पा रहे तो उसका भी ज़्यादा ऐसे नहीं करना कि नहीं हो पा रहा, उसको छोड़ दो ऐसे। मतलब देखो तुम्हें अपना सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन के हिसाब से जो जो क्वेश्चन है वो देखो ना कि कितने तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आ रही है तो उसमें से एक आध क्वेश्चन अगर रीअरेंजमेंट का, तो क्या हो गया, छोड़ देना उसको, तो बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिल से याद कर लो जितने एनसीईआरटी में दिए हुए, और लास्ट के जो वो चैप्टर है ना 3-4, वो जो छोड़ देते हो मस्ती मस्ती में, बायो मॉलिक्यूल्स हो गया, ये तो आता ही है, तो क्या बकवास है, रटने की चीज़ है, वो उसको अच्छी तरह करके जाओ, वही क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इस बार पूछ लिया था पॉलीमर पे, तो पॉलीमर वाले उनको ढंग से पढ़ो, उनकी जो क्वेश्चन है, पॉलीमर हो गया, बायो मॉलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, तो उनको अच्छी तरह से करके जाना। और जो फिर अब बायोलॉजी पे आते हैं, बायोलॉजी में ये होता है कि वैसे तो कहते हैं यार एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से सारा आता है, थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हुई उनको भी तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो एक लाइन लिख दी, और असली में उस चीज़ को समझने के लिए तुमको एक पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए मतलब आप कोई कंसेप्ट अगर पढ़ रहे हो ना, तो यूट्यूब की वीडियोस को रेफर करा करो। मैं ये नहीं कहता कि कोई वो खरीदो ट्रूमेंस वगैरह खरीदो, ट्रूमेंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए हुए, उसमें सिर्फ डेटा दिया हुआ है, और तुम और परेशान हो जाते हो, यार इतना डेटा कहाँ से याद करूँगा मैं। तो खान अकेडमी है, अन अकेडमी है, इन यू नो यूट्यूब के जो चैनल्स हैं इनको देखो। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी हर एक टॉपिक पर, तो उन टॉपिक्स की वीडियोस को देखो तो तुम उस कंसेप्ट को ग्रैस्प कर जाओगे। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन का तुम्हें मतलब, उसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, और उनकी एक एक लाइन को मगअप करो, समझो, याद करो, जो भी करो, पर उसकी एक एक लाइन को फिर पक्का कर लो, तो उसके हिसाब से आपका काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, इस बार भी नीट में आ गए थे कई क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के आ गए थे, तो अब फिर आपको वही करना पड़ेगा, अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर तुम फिजिक्स के अंदर बराबर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, फिर क्या ज़रूरत है इनको, क्योंकि इतना सारा भार का पढ़ोगे तब जाके तुम 4-5 क्वेश्चन बाहर के सॉल्व करवाओगे जो एनसीईआरटी से के बाहर के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर छोड़ दो उनको, कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो हो ही जाना है। पर अगर ये है कि तुम फिजिक्स भी नहीं कर पा रहे तो ठीक है, फिर बाहर का पढ़ो। तो ज़्यादातर तो ये होता है कि टीचर्स को मतलब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, ज़्यादातर अपने आप को बायोलॉजी में बोस्ट करते हैं कि यार इतना सारा मटेरियल दे देते हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है तो उनके मॉड्यूल्स के अंदर बायोलॉजी बहुत होती है, तो वो मतलब उसको ढंग से कर लोगे तो काफ़ी रहती है। पर ये सिर्फ तभी करना है जब तुम ऐसा समझ रहे हो कि यार फिज़िक्स मुझसे बिल्कुल ही नहीं हो पा रही, ठीक है ना। ये तो हो गई कोर, जो बेसिक कोर प्रिपरेशन होती है। ये है अगर तुमको थोड़ा हायर लेवल पर जाना है कि टॉप 500 में लानी है, टॉप 100 में लानी है, या उस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो फिर ऐसा करो, फिर फिज़िक्स का अगर तुम्हारा अच्छा, उसके लिए एक ही चीज़ होती है, फिज़िक्स तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, तुम अपना दिमाग लगा पा रहे हो, मैथमेटिक्स से तुम्हें कभी फोबिया था नहीं,
तो फिजिक्स तुम्हारी अच्छी है तो तुम टॉप 500 वगैरह में लाने की सोच रहे हो, तो उसके बाद तुम फिर बायोलॉजी का बाहर की भी चीज़ें पढ़ो, क्योंकि फिर तुमको रैंक लानी है, तुम रैंक के लिए स्टडी कर रहे हो तो फिर तुम्हें एक एक चीज़ कवर करनी है। फिर ये नहीं सोच सकते कि NCERT काफ़ी है या नहीं, फिर तुम्हें पूरा कवर अप करना है। हम ऐसी और वीडियोज़ भी बनाएंगे, तो अगर आपको, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आपको काफ़ी हम अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, हम आगे और वीडियोज़ बनाएंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।